पार्ट टू ग्रामर। ग्रामर में पहली एक्टिविटी है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। नाउन, जैसा कि आप जानते हैं, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। फिर नाउन की मुख्तलिफ किस्में हैं, तो इसी इन नाउन की अकसाम पर यह एक्सरसाइज है। कायदियाज़म इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ एन डैश नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। चूंकि एक खास शख्स का नाम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। माई फैमिली लिव्स इन स्वात। फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फैमिली में चूंकि बहुत से लोग मुश्तमिल, फैमिली बहुत से लोगों पर मुश्तमिल होता है, एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। डोंट क्राई ओवर स्पेल्ट मिल्क। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन भी है, लेकिन कॉमन नाउन में ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। द हंग्री फॉक्स सा अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, तो आयल नहीं गिने जा सकते, शुगर नहीं, हनी नहीं, बुक, ये दुरुस्त ऑप्शन है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ड्रेस, सेंट, पेंसिल, बॉटल। तो ड्रेस ड्रेसेस, पेंसिल पेंसिल्स, बॉटल बॉटल्स। तो सेंड एक ऐसा चीज है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन में आर्मी है, एक बंदे को आर्मी नहीं कहा जा सकता। दूसरी एक्टिविटी है, जब ये एक्टिविटी आती है, डू यू रिमेंबर, तो इस एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ये चीज, ये टॉपिक आपने इस किताब में पहले या गुज़िश्ता क्लास में ये आप पढ़ चुके हैं। तो डू यू रिमेंबर का मतलब यही है कि ये रेगुलर नाउन और इररेगुलर नाउन आप गुज़िश्ता क्लास में पढ़ चुके हैं। रेगुलर नाउन इज मेड प्लूरल बाय एडिशन ऑफ एस आर ई एस। और यही रेगुलर नाउन का डिफिनीशन भी है कि जिसका प्लूरल एस या ई एस ऐड करने से बनता है, ये रेगुलर नाउन होते हैं, और इररेगुलर नाउन का प्लूरल एस या ई एस से नहीं बनता, बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है। ये किसी ख़ास कायदे कानून के मुताबिक नहीं होते। कभी दरमियान में एक वावल बदला जाता है, कभी कोई और तरीके से। द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड रूल्स फॉर चेंजिंग सम रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अभी ये तरीका है, एस रेगुलर, तमाम रेगुलर और इररेगुलर नाउन्स एस या ई एस से बनते हैं, तो वह तमाम सिंगुलर नाउन्स जिसके आखिर में एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड या ओ बी एस में शामिल है, ये आए हो, तो उनका प्लूरल एस से नहीं बल्कि ई एस से बनेगा। इस तरह दूसरा ये बात याद रखना कि जिस
लफ्स सिंगुलर लफ्स के आखिर में एफ या एफ ई आ जाए तो एफ ई को हटाकर वी ई एस से जमा इसका बनता है। कुछ एक्सेप्शंस ये है कि रूफ का प्लस प्लूरल रूफ्स है, इस तरह क्लिफ का क्लिफ्स है। जब किसी नाउन के आखिर में वाई आ जाए और उससे पहले वावल न हो तो उसको हम एस से उसका जमा बनाएंगे, जैसा बॉय बॉयज। लेकिन अगर वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, जैसा स्टोरी से स्टोरीज। इस तरह मैंने आपको पहले बताया जू, तो डबल ओ आया है, जब डबल ओ आ जाता है तो उसको भी सिर्फ एस उसमें लगाते हैं। अगर सिंगल ओ हो तो फिर ई एस लगाया जाता है, जैसा टोमेटो में टोमेटोस। टूथ टीथ ये इररेगुलर है, शीप शीप ये भी इररेगुलर है। फिर जिस सिंगुलर नाउन के आखिर में आई एस आ जाए तो उसको ई एस से जमा बनाया जाता है, जैसा बेसिस बेसिस, साइनोप्सिस साइनोप्सिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, डायग्नोसिस डायग्नोसिस। पिक आउट एट लीस्ट 10 ईच ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी गिवन बिलो। अभी आपको इसमें प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स इकट्ठा करने हैं और इसमें फिर उसका, अगर सिंगुलर हो तो उसका प्लूरल बनाना है, अगर प्लूरल है तो सिंगुलर। अभी कुछ याद रखने की चीजें ये हैं कि इसका, इन अल्फाज का ये चूंकि इररेगुलर नाउन्स है इसलिए ये समझना जरूरी है। डियर ये लफ्स डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए बोला जाता है। क्विज क्विजिज, बीच बीचेस ई एस से बनती है। गूस का जमा गीस से बनती है, ये गूस है गूसेस नहीं है, जी डबल ई एस गीस। माइस एम आई सी ई ये प्लूरल है बजाते खुद और प्लूरल है माउस का। पर्सन पर्सन्स, ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि पर्सन पीपल। चाइल्ड चिल्ड्रन, फूट फीट, फिश दोनों एक जैसे है। ऑक्स ऑक्सिन। नंबर ऑफ कंपाउंड नाउन्स, यूजुअली द लास्ट वर्ड इज मेड प्लूरल। जब कंपाउंड नाउन हो यानी दो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, जैसा स्कूल बैग। तो आम तौर पर आखिरी लफ्ज नाउन के साथ, आखिरी लफ्ज के साथ एस लगाया जाएगा, जैसे स्कूल बैग स्कूल्स बैग्स नहीं बल्कि स्कूल बैग्स। क्लोज अप क्लोज अप्स, जब दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना हो और दरमियान में प्रीपोजिशन हो तो फिर उसको पहले के साथ हम लगाएंगे, जैसा सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, मैन ऑफ वॉर मिन ऑफ वॉर। When your man or woman is first word, both the words are made plural. जब कोई ऐसा compound noun आ जाए जिसमें पहला लफ्ज man या woman हो तो दोनों को बनाएंगे, जैसा men servants, men servant, men servants, woman wrestler, woman wrestler. Change the following compound nouns into plural form: a tennis shoe, थ्री टेनिस शूज। पहले के साथ नहीं लगेगा, दूसरी के साथ लगेगा। वन असिस्टेंट हेडमास्टर, फाइव असिस्टेंट हेडमास्टर्स,
अ मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, माई टूथ ब्रश, माई टूथ ब्रशेज, वोमेन डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी। चूंकि प्रीपोजिशन दरमियान में आया है तो सिर्फ पहले वाले के साथ एस का इजाफा होगा।